जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान पर भरोसा करने से वे सब कुछ करने को तैयार हैं। आप करके देखिए, जब आपका भरोसा ही डॉक्टर पर है तब भगवान क्या करें, वे डॉक्टर से ही ठीक कराएंगे। नहीं तो क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि वे स्वयं दूर कर सकें। चाहे कोई भी विपत्ति हो, आप उनसे कहकर देखिए, मैंने तो 42 वर्ष पहले एक बार ऋषिकेश में कहा था, मेरे पैरों में भयंकर गठिया का दर्द हो गया था, बहुत पीड़ा थी पर मैं सहन करता था। एक दिन रात को जब बहुत पीड़ा हो रही थी पर मैंने कहा, प्रभु आप दर्द तो चाहे 10 गुना और बढ़ा दीजिए पर सहने की शक्ति तो दीजिए। तब मानो भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण आँखों के सामने आए और उनकी आँखें छलछला गई और वे कह रहे हैं कि तुमने मुझे इतना निष्ठुर समझ लिया है कि मैं तुम्हें पीड़ा इतनी दूंगा कि तुम सहन न कर सको। उसके बाद मेरी आँखों में आंसू आ गए और 2 घंटे नींद भी आ गई। उठने पर क्या देखता हूँ, सारी पीड़ा एकदम कम हो गई और शौच के लिए भी मैं अपने आप चला गया। गंगा जी में स्नान भी कराया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई विपत्ति कष्ट आए तो भगवान से विश्वास पूर्वक कहिए। कहकर तो देखिए, बस इतना ही कहूँगा और तो मैं अपने अनुभव की बातें क्या कहूँ, उसे कोई समझने वाला भी नहीं है। देखिए, सच्चे मन से पुकारिए फिर भगवान किसी भी उपाय से आ जाएंगे। सच्चे मन से पुकारने की ज़रूरत है, भगवान केवल सच्चा भाव देखते हैं। आप मन में एक कण भी सद्भाव आने से वे जान जाएंगे। मेरी कृपा तो इतनी ही है कि आप अपने पर कृपा कीजिए। आपको चलना पड़ेगा, केवल बातों से काम नहीं होगा। भगवान शंकर के विषय में 2 शब्द कहता हूँ कि भगवान शंकर सबसे अधिक दया के रूप हैं। वे दया के सागर हैं। उनकी प्रसन्नता इतनी जल्दी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनको रिझाने में बड़ी आसानी होती है। केवल जल और बिल्व पत्र चढ़ाकर आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे पर तो केवल प्रणाम करने से प्रसन्न हो गए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।